हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको बिना किसी ड्रामे के डेली इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज शॉर्ट में बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, इस साल 2023 रिपब्लिक डे परेड के लिए रिक्शा पुलर्स, तरकारी बेचने वाले, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने का काम कर रहे वर्कर्स और उनकी फैमिलीज वगैरह को आमंत्रित किया गया है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी इस साल रिपब्लिक डे के मौका पर चीफ गेस्ट होंगे। इंडियन फिनटेक कंपनी फोनपे ने $12 बिलियन के वैल्यूएशन पे अमेरिकन इन्वेस्टर कंपनी जनरल अटलांटिक से $350 मिलियन रेज किए हैं। इस फंडिंग के बाद फोनपे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल फिनटेक बन गया है। फोन पे कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट से सेपरेट हुआ था। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन DCW चीफ स्वाति मणिवाल के साथ कल रात 3 बजे दिल्ली के एम्स इलाके में एक नशे में धुत कार ड्राइवर ने बदसलूकी की और उनको कुछ मीटर तक कार के साथ घसीट ले गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इंडो रशियन ज्वाइंट पार्टनरशिप के तहत भारत में असल्ट कलाशिनकोव यानी AK राइफल्स बनना शुरू हुई हैं। यूपी के अमेठी में स्थित कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में इंडियन आर्मी के लिए AK-203 राइफल्स बनना शुरू हो गई हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2022 सर्वे के आंकड़े पब्लिश हुए हैं। ये सर्वे देश के 19,000 से ज़्यादा गांवों में कंडक्ट किया गया था। इसके अनुसार देश में पक्का घर और घरों में मौजूद शौचालय दोनों के नंबर्स में इजाफा हुआ है। इसके साथ ऐसे घर जिनमें टू व्हीलर्स और टेलीविजन पाया जाता हो, ऐसे घरों में भी इजाफा हुआ है। इस सर्वे के अनुसार देश के 95% घरों में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। भारतीय रेसलर्स का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। रेसलर और BJP लीडर बबीता फोगाट ने प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स से बात की और कहा कि सरकार इस मामले में कड़े कदम उठाएगी। रेसलिंग फेडरेशन के चीफ के इस्तीफे की भी खबरें आ रही हैं। PM मोदी ने आज कर्नाटका के यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में 10,863 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है। PM मोदी का आज मुंबई में भी प्रोग्राम है। इसी के साथ एक और न्यूज़ ये भी है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 आज से शुरू हो रहा है। फ्लाइट रिलेटेड इंसिडेंट्स में कोई कमी नहीं आ रही है। स्कूट एयरलाइंस ऑपरेटेड अमृतसर सिंगापुर फ्लाइट जो कि अमृतसर से टेक ऑफ करने वाली थी, अपने शेड्यूल टाइम से पहले ही 30 पैसेंजर्स को छोड़कर अचानक टेक ऑफ कर गई। इंडियन ऑटो एक्सपो 2023 आज खत्म हो रहा है। 11 जनवरी से शुरू हुए इस एक्सपो को 6 लाख से ज्यादा विजिटर्स ने विजिट किया। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट में $299.3 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ अमेजॉन पहले नंबर पर है। $297.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ एप्पल दूसरे नंबर पर है और $281.4 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ गूगल तीसरे नंबर पर है। भारत का टाटा ग्रुप 69th नंबर पर है। वर्ल्ड चैंपियन यूसेन बोल्ट के लॉयर ने कहा है कि यूसेन बोल्ट के एक ट्रेडिंग अकाउंट से अचानक 100 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। जमैकन इन्वेस्टमेंट फर्म स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज ने इस मामले में एक फ्रॉड का पता लगाया है। फ्रांस की सिस्टर आंद्रे की डेथ के बाद US बॉर्न स्पेनिश लेडी ब्रानियस मोरेरा को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का टाइटल दिया गया है। उनकी उम्र इस वक्त 115 साल है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि वो आने वाले कुछ समय में अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। इसी के साथ एक न्यूज़ ये भी है कि कनाडा ने अपने सिटीजन्स के लिए एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि कैनेडियन सिटीजन्स शराब बिल्कुल ना पिएं और अगर पीना हो तो एक हफ्ते में 2 ग्लास से ज़्यादा ना पिएं। ब्रिटिश एक्टर जूलियन सैंड्स सदर्न कैलिफोर्निया के पहाड़ियों पर लापता हो गए हैं। उनकी वाइफ का कहना है कि वो हाइकिंग कर रहे थे और 13 जनवरी 2023 से लापता हैं। फ्रांस के पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ देश भर में स्ट्राइक शुरू हो गई है। फ्रेंच ट्रेड यूनियंस, टीचर्स, वर्कर्स और स्टूडेंट्स वगैरह इस स्ट्राइक का हिस्सा हैं। इराक के शहर बसरा के एक फुटबॉल स्टेडियम में इराक ओमान गल्फ कप फाइनल मैच से पहले मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। आर्मेनिया के गेहार कुनिक प्रोविंस में सेना के बराक में लगी आग में 15 सोल्जर्स की मौत हुई है। इसी के साथ अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इटोरी प्रोविंस में पीस कीपर्स को एक मास ग्रेव मिली है जिसमें
49 सिविलियंस की लाशें दफन थीं। ग्रीनलैंड के आइस कोर्स की स्टडी में पता चला है कि ग्रीनलैंड के प्रेजेंट टेम्परेचर्स पिछले 1000 साल के पीरियड में सबसे ज्यादा हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर अब ग्रीनलैंड जैसे सेक्लूडेड एरिया पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के करीब पाकिस्तान के पंजगुड़ डिस्ट्रिक्ट में टेरर एक्टिविटी में 4 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हुई है। इसी के साथ अफगानिस्तान में इस साल सर्दी की वजह से 70 इंसानों और 70,000 से ज़्यादा मवेशियों की जाने गई हैं। हरियाणा के करनाल में एक एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट में 14 लोग जख्मी हुए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के खांडवा में 2 बसेस के बीच हुई टक्कर में 40 से ज़्यादा लोग इंजूर हुए हैं। रशियन अथॉरिटीज़ ने आज कहा है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो यूक्रेन को क्राइमिया पर हमला करने के लिए लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई करते हैं तो वॉर एस्केलेट होगी और न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको इसी तरह कम से कम वक्त में देश और दुनिया की अहम खबरें जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।